रूस यूक्रेन की जंग में अब राष्ट्र प्रमुखों की ओर से सर्वनाश का ऐलान शुरू हो चुका है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यूक्रेन के संपूर्ण विनाश का अल्टीमेटम दिया तो रूस की तरफ से यूक्रेन को 18वीं सदी में पहुंचाने की चेतावनी सामने आई। इससे यह साफ हो चुका है कि 9 महीने के बाद वॉर अब नेक्स्ट फेज में पहुंच चुका है। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट इसे जंग का फोर्थ और फाइनल फेज मान रहे हैं। इस फेज में पुतिन का टारगेट भी बदल चुका है, जिसका सबूत है वॉर जोन में पहली बार उतरे पैराट्रूपर्स। वॉर के इस फाइनल फेज में क्या होगा, कौन से नए हथियार आ रहे हैं और विनाश का दायरा कितना बढ़ने वाला है, सुपर प्राइम टाइम की कवर स्टोरी में इसकी पूरी डिटेल आप भी देखिए। शुरू जंग का चौथा फेज। यूक्रेन देश के बचेंगे सिर्फ अवशेष। क्योंकि आगे यूक्रेन का संपूर्ण विनाश है। व्लादिमीर पुतिन के हर रहस्यमय प्लान का साथी है ये शख्स। पुतिन शासन की सेवा करने की शपथ ले चुके इस शख्स का नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ये बेलारूस के राष्ट्रपति हैं। इन्हें राइट हैंड ऑफ द पुतिन कहा जाता है। पुतिन के राइट हैंड ने कह दिया है कि यूक्रेन अगर नहीं देगा तो सर्वनाश तय है। अभी जो मिसाइलें बरस रही हैं वो आने वाले विनाश की तुलना में कुछ भी नहीं है। यदि यूक्रेन बड़ी संख्या में नरसंहार नहीं चाहता तो उसे रुकने की जरूरत है, क्योंकि आगे यूक्रेन का संपूर्ण विनाश है। यूक्रेन को अंतिम चेतावनी जारी कर दी गई है, क्योंकि जितनी ताकत अभी तक इस्तेमाल की गई है उससे यूक्रेन डिगा नहीं है। तो अब अंतिम रास्ता है यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटा देना। 23 नवंबर के मिसाइल हमलों के बाद से ही कीव कराह रहा है। उसे न अमेरिकी हथियार बड़े नुकसान से बचा पाए, न पश्चिमी देशों के हथियार। जब क्रूज मिसाइलों के हमले इतने भयंकर हैं तो लुकाशेंको जिस हमले की बात कर रहे हैं वो कितना भयावह होगा, इसकी कल्पना उनके बयान से की जा सकती है। लुकाशेंको ने कहा है कि यूक्रेन को युद्ध रोकना ही होगा, वरना इसका नतीजा यूक्रेन का सर्वनाश होगा। आने वाला खतरा यूक्रेन की संप्रभुता पर नहीं बल्कि पूरे देश के अस्तित्व पर ही है। इससे संकेत साफ है कि पुतिन यूक्रेन पर सबसे विनाशक वार करने का मन बना चुके हैं। इतना विनाशक और घातक जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। आर्मेनिया के कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचे लुकाशेंको ने जो कहा है वैसा ही बयान प्योत्र तालस्तोय ने दिया है, जो पुतिन के बेहद करीबी है। स्टेट ड्यूमा यानी रूसी संसद के डिप्टी चेयरमैन तालस्तोय ने कहा है कि रूस यूक्रेन को 18वीं सदी के दौर में ढकेल देगा। तालस्तोय ने जो कहा है उस विनाश चक्र की शुरुआत हो चुकी है। तेईस नवंबर को रूस ने कीव पर 67 क्रूज मिसाइलें बरसाई। रूस के निशाने पर यूक्रेन के पावर सप्लाई सेंटर और वाटर सप्लाई सेंटर रहे। एक के बाद एक मिसाइलें नागरिक सुविधा आपूर्ति करने वाले ठिकानों पर गिरने लगी। अब देखिए कि यूक्रेन का हाल इससे क्या हो गया है। रात के समय ये तस्वीरें अंतरिक्ष से ली गई हैं। यूक्रेन के आसपास वाले सभी देशों में रोशनी नजर आ रही है। तुर्की, ग्रीस और बुल्गारिया में रोशनी चमकती दिखाई दे रही है, लेकिन अंतरिक्ष से यूक्रेन की बदहाली साफ दिख रही है। पड़ोसी देश रोशनी में नहाए हैं और यूक्रेन अंधकार में डूबा है, क्योंकि यूक्रेन के सभी पावर ग्रिड, सप्लाई स्टेशन सब रूस ने तबाह कर दिए हैं। यानी एक तरह से यूक्रेन 18वीं सदी में ही पहुंच गया है।
अब ये दो तस्वीरें देखिए, ये रूस के हमलों से पहले की पिक्चर है और ये बाद वाली। रूस के हमले से पहले यूक्रेन कैसा जगमगा रहा है, लेकिन बाद में क्या हाल हो गया है ये तस्वीर बता रही है। रूस के मिसाइल हमलों से यूक्रेन के 3 न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट का ग्रिड कनेक्शन कट गया है। यूक्रेन में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। घरों के हीटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। जमा देने वाली सर्दी में लोग कांप रहे हैं। पीने के पानी की सप्लाई ठप है। कीव में लोग पानी के लिए कतार लगाए हुए हैं। बिना बिजली के लोगों को गर्म पानी तक नहीं मिल पा रहा है। लगभग सभी क्षेत्रों में पानी के हालात गंभीर बने हुए हैं, लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे ब्लैकआउट से उभरने की कोशिशों में जुटे हैं। हर घंटे नए उपभोक्ताओं के लिए बिजली बहाल करने की कोशिश जारी है। ये हालात राजधानी कीव समेत 15 शहरों में सबसे कठिन है। यूक्रेन मिसाइल हमलों से तबाह हो चुका है। WHO ने कहा है कि मिसाइल हमलों की वजह से पावर सप्लाई ठप होने के बाद यूक्रेन के नागरिकों की जान पर खतरा बन गया है। यूक्रेन के पावर सिस्टम को ध्वस्त करने के साथ ही पुतिन ने युद्ध का चौथा फेज शुरू कर दिया है। यूरोप में यूनाइटेड स्टेट आर्मी के पूर्व कमांडर रहे मार्क हर्टले ने कहा है कि पुतिन इस वक्त इस जंग के चौथे और सबसे विनाशक फेज में शुरुआत इसकी कर चुके हैं और पुतिन का जो टारगेट है वो अब इस फेज में युद्ध को खत्म करने का है। और जंग खत्म करने के लिए पुतिन लगातार यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं ताकि नागरिकों पर निशाना साधा जा सके और नागरिकों की जान पर बहुत ज़्यादा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है ताकि पुतिन यूक्रेन को उस हालात में पहुंचा दें जहां यूक्रेन के साथ समझौता हो सकता है। चौथे फेज की शुरुआत पहले से ज्यादा विनाशक हमलों से की जा रही है। युद्ध को निर्णायक मोड़ पर ले जाने के लिए पुतिन ने अपनी सबसे एलीट फोर्स को फ्रंट लाइन पर भेज दिया है। पुतिन ने डॉनबास में रशियन पैराट्रूपर्स को भेजा है। ये पैराट्रूपर्स स्पेशल ऑपरेशन के लिए भेजे गए हैं। इनको डिफेंसिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन पूरे करने के लिए उतारा गया है। डॉनबास लुहांस्क में इस वक्त रूसी आर्मी के मोबिलाइज्ड जवान जंग लड़ रहे हैं। नौसिखिए जवानों की मदद के लिए स्पेशल ट्रेनिंग ले चुके पैराट्रूपर्स को उतारा गया है। अमेरिकी जनरल के मुताबिक चौथे फेज का सबसे अहम प्लान है डॉनबास में रूस का पलड़ा भारी करना और कब्जा जमाने के बाद पुतिन ट्रांसनिस्ट्रिया का इस्तेमाल यूक्रेन के दक्षिणी पश्चिमी कोने को अलग करने के लिए कर सकते हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्दोवा का स्वतंत्र इलाका है जो मोल्दोवा को यूक्रेन से और ब्लैक सी से अलग करता है। मोल्दोवा की सीमा रोमानिया से सटी है जो नेटो का सदस्य देश है। पुतिन की सेना के हथियारों का जखीरा पहले से ट्रांसनिस्ट्रिया में है। पुतिन की कोशिश है यूक्रेन पर बड़े हमले करके युद्ध रुकवाना। इसके बाद ट्रांसनिस्ट्रिया में पुतिन अपनी सेना को इकट्ठा कर ताकत बढ़ाएंगे। इसके बाद नए सिरे से यूक्रेन पर हमला करेंगे। पुतिन ने कीव पर 10 नवंबर को 24 घंटे में 84 मिसाइलें बरसाकर दहला दिया था। उसके बाद 15 नवंबर को 100 मिसाइलें दागी। 23 नवंबर को महाविनाश का ऐसा अंधर चलाया कि पूरा यूक्रेन ही अंधकार में डूब गया। अगर अब भी डॉनबास इलाके में यूक्रेन ने युद्ध की हठ नहीं छोड़ी तो पुतिन सच में भयंकर विनाश का वो बटन दबा सकते हैं जिसका इशारा लुकाशेंको ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।